हो गया शुरू। ओके सारे भाई, ये ना भाई मेरी राम राम, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। भाई अभी रोहतक आ रहा हूँ और मीटिंग चल रही है किसानों को लेके, जो परसों पिपली में हंगामा हुआ। भारतीय किसान संघ के तरफ से एक हैं, उनसे मैं बात कर लेता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है सर आपका? सुंदर लाल, भारतीय किसान संघ संगठन मंत्री जी। सर क्या कुछ ये मामला था पिपली वाला, पहले मैं ही जाना चाहूँ। पिपली वाला मामला किसानों के मन में संदेह है तीनों अध्यादेश को लेकर जी, उसकी जो उसका प्रस्तुत करने का है उसका सारा समय काल जो है वो संदेह पैदा करता है। 5 जून को सरकार ने ये अध्यादेश लाए और जल्दबाजी में राष्ट्रपति से साइन करवाए। 5 जून को ना तो कोई फसल थी जी, ना ऐसा कोई कारण था, तीन अध्यादेश क्यों लाए गए? तो ये बातें जो हैं, जो समय काल इन्होंने तय किया है नरेंद्र मोदी सरकार ने, वो संदेह पैदा करता है। फिर चलो अध्यादेश लाए, उनका अध्ययन किया, उन अध्ययनों में कई सारे विषय ऐसे हैं जो किसान को बर्बादी की ओर ले जा सकते हैं। सरकार ने कहा हमने सरकार किसान को खुला छोड़ दिया, अपनी फसल वो कहीं भी बेचे, ये ठीक बात है। और ये सरकार जो बाहर ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में जो बड़े बड़े फार्म हाउस हैं उनकी तर्ज पर चल रही है। एक 1.5-2 किले का किसान, क्योंकि हरियाणा की हम बात करें तो 2-2.5 किले से ज्यादा का किसान यहाँ नहीं रह रहा है जी। तो वो 1,000 किले का आदमी तो कहीं भी अपनी फसल ले जा सकता है, उसके पास परिवहन के साधन भी होते हैं, सारी सुविधाएं होती हैं। लेकिन 1.5-2 किले का किसान जो है वो अपने 10-15 किलोमीटर तक ही जा सकता है, क्योंकि उसे अपने परिवार का गुजारा करने के लिए पशुपालन भी करना होता है, घर परिवार और भी है, कोई छोटा मोटा और भी काम करना होता है, ट्रैक्टर भी चलाना होता है, सारे काम करने होते हैं। तो सरकार ने काम ने खुला छोड़ दिया है। और इसको यदि अंदर तक देखें तो सरकार किसानों से पिंड छुटाना चाहती है। इस कृषि प्रधान देश का यह दुर्भाग्य है कि चाहे केंद्र की सरकार है चाहे राज्य की सरकार है, इस प्रकार की नीतियां ला रही है सरकार कि वो किसानों से पिंड छुटाना चाहती है। किसान जाने, व्यापारी जाने, उसकी फसल जाने, यहां बेचे, चेन्नई बेचे, कर्नाटक बेचे, बेंगलुरु बेचे, कहीं भी बेचे, वो ये व्यवस्था करना चाहती है। फिर सबसे बड़ी बात इन्होंने की है, आवश्यक वस्तु अधिनियम को इन्होंने समाप्त किया है। भाई कोई कितना भी भंडारण कर सकता है, आज तो ये लग रहा है सरकार ठीक कर रही है, लेकिन जो लोग भंडारण करेंगे वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करेंगे। इसमें 2 प्रकार का शोषण होएगा, जो उत्पादक है उससे कम कीमत पर खरीद कर ये लोग भंडारण करेंगे, और फिर उपभोक्ता को अधिकतम कीमत पर देकर ये फिर उसका भी शोषण होएगा। इस बात का मतलब भी होगा, जो किसान है उससे तो कम से कम रेट में लिया जावे और जो कर मारे वर्ग के कस्टमर उससे मैक्सिमम रेट में बेचा। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें एक चीज और है, 65% किसान उपभोक्ता भी है, वो आज दाल चावल बेचकर क्योंकि उसकी जरूरत उस समय पूरी करके वो, और फिर 10 दिन 15 दिन 2 महीने बाद फिर बाजार में जाता है वो। तो 65% किसान ऐसा है इस देश में जो उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। तो इन दोनों को संरक्षण देने के लिए हमने सरकार से मांग की है, तो कम से कम न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात होनी चाहिए। और हम तो सरकार से एक अगली मांग करता है भारतीय किसान संघ, अधिकतम विक्रय मूल्य की भी यहां तय होना चाहिए, MSP जिसको MSP बोलते हैं। 20 रुपए किलो का बाजरा 750 रुपए की 1.5 किलो की थैली बीज में बेची जाती है, केवल उस पर एक रंगीन सिट्टा छाप दिया जाता है और उसमें और कुछ नहीं होता है। 20 रुपए किलो का बाजरा ये 500 रुपए किलो बेच रहे हैं, एक लिमिट तो होनी चाहिए उसकी, कितने रुपए किलो बेचेंगे ये। तो ये सारा सरकार की मिली व्यवस्था से होता है, किसी प्रकार लग के किसान को ऐसा मजबूर कर दिया जाए वो खेती छोड़कर दूसरा काम करे, ये सरकार की नीतियां चल रही है। और आज से नहीं है, ये आजादी के बाद से जितनी सारी सरकारें आई हैं, चाहे ये सरकार है चाहे इससे पिछली सरकार है, सारी की सारी सरकार केवल ये चाहती है किसान खेती किसानी छोड़े और कोई दूसरा काम करे, मजदूरी करे, कि भीख मांगे, उनका विषय नहीं है। ये कृषि प्रधान देश है, इस देश का दुर्भाग्य है। दूसरा एक बात और कहना चाहता हूं, कितना ही प्रयास कर ले, 70 साल से सारी सरकारों ने प्रयास किया, ये देश विकास नहीं कर पाया। ये चाह रहे थे इस विकास, जो पहले सरकारें आई हैं आजादी के बाद, जिन लोगों के हाथों में सत्ता आई है वो इंग्लैंड में पड़काए, जापान में पड़काए, पेरिस में पड़काए, वहां पड़काए, उन्होंने सोचा इसको जापान और पेरिस बनाया जाएगा। भारत कृषि प्रधान देश है, यदि इसका विकास हो सकता है तो केवल कृषि के माध्यम से हो सकता है। प्राचीन काल में यदि हम लगाए तो यहां से मसाले और खाद्य सामग्रियां जाती थी, व्यापारी फिर वहां से सोने के नाव भर के लाते थे। तो इस देश का दुर्भाग्य है। एक बड़ी बात और है, पिछले 5 महीने से सरकार जो अपना सीना चौड़ा कर रही है, हम फ्री में खाद्यान्न बांट रहे हैं गरीब लोगों को, किसके भरोसे बांट रही है? ये किसान के भरोसे बांट रही है। और अभी 4-5 दिन पहले सरकार का ही आंकड़ा है, इनकी सारी जो GDP की बात करते हैं, ये केवल 3.5 कृषि में ग्रोथ हुआ है, बाकी सारा कोई 50%, कोई 60% कोई इस प्रकार से गिर रहा है। तो सरकार को इस बात का ध्यान करना चाहिए, इस देश को केवल किसान संभाल सकता है, इस देश का विकास केवल खेती किसानी से हो सकता है, बड़ी बड़ी उद्योग लगाने से, फैक्ट्री लगाने से नहीं हो सकता। अभी बड़ी चर्चा चल रही है, GDP गिर गई। GDP गिरने का मतलब आप क्या लगाते हैं? मेरे आज आमदनी मेरी कम है, मैंने अपनी पुरानी गाड़ी से पुराने ट्रैक्टर से काम चला लिया तो GDP गिरेगी। यदि मैंने उस ट्रैक्टर को बेचकर नया ट्रैक्टर खरीदा तो GDP बढ़ेगी। मैंने घर में 4 समोसे बना लिए खा लिए
तो जीडीपी गिरेगी। यदि वही चार समोसे मैं किसी फाइव स्टार में बैठ होटल में बैठकर खाऊंगा तो जीडीपी बढ़ेगी। मतलब ये है, ये जो बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े इनके ये हैं, रिलायंस के यहाँ से सब्जी खरीदोगे तो जीडीपी बढ़ेगी, और यदि आपने किसी रेडी ठेली वाले से सब्जी खरीद ली तो वहां नहीं गए, जीडीपी गिरेगी। गजब की बात, जीडीपी का उसका विषय है, गजब की बात बताई भाई। अभी तक बहुत सारे लोगों ने जीडीपी करे हैं, लेकिन सच्चाई या समझाई? वाह जी वाह। तो इस प्रकार से चल रहा है, हम तो सरकार से आग्रह कर रहे हैं, अभी भी समय नहीं बीतता है, केवल 70 साल बीते हैं, खेती किसानी पर 5 साल ध्यान देके देखो, हम गारंटी देते हैं। एक बार दाल की वही बात, 150 रुपए किलो दाल बिकी, भारत के किसान को लगा अच्छा दाल बिक रही है, ये हो रहा है तो देश की बेइज्जती हो गई। ब्राजील में हमने इन्होंने फार्म हाउस खरीदे, वहां दाल पैदा की, वहां की दाल 80 रुपए किलो होते हैं, भारत के किसान ने इतनी दाल पैदा कर दी सरकार के, ना गोदाम पाए, ना मंडी पाई, ना उसको खरीदने वाला पाया। तो हम तो क्या है, हरित क्रांति के नाम पर किसान के साथ धोखा किया गया, उसकी मां जैसी जमीन को जहर बनाया गया। ये किसने बनाया? ये सरकार की नीतियों ने बनाया। हमें जो क्रांति के नाम पर, हमने सोचा क्रांति ऐसी होगी जैसी आजादी के समय क्रांति आई थी, लेकिन 62-63 में जो हरित क्रांति आई थी उसके माध्यम से किसान के साथ धोखाधड़ी किया गया, उसको पेस्टिसाइड और ये सारा ऐसी आदत उसको डाल दी गई, आज उसके बिना बची नहीं सकता। सारी जमीन जहर हो गई है, खेत में जहर पैदा हो गया है। भारतीय किसान संघ ऑर्गेनिक फार्मिंग की मांग करता है और उसकी किसानों से भी आग्रह करते हैं, हम गांव-गांव में जाते हैं, किसान संघ जो रचनात्मक काम करता है उसमें जो प्राकृतिक खेती है उसका विषय रखता है। मैं किसानों से भी आग्रह करूंगा, आज जो बेसहारा पशुओं की समस्या आ रही है, मेरी बात बुरी लगेगी लेकिन इसमें 80% किसानों का योगदान है। सरकार का काम नहीं है गाय पालना, सरकार का काम गौशाला नहीं चलाना है। गाय केवल किसान के यहाँ अच्छी लगती हैं, भैंस केवल किसान के यहाँ होनी चाहिए, लेकिन हमने उस अपने कर्तव्य की जब पूर्ति नहीं की है तो फिर ये सारा सड़कों पर आ रही है और उसका कहीं ना कहीं घटना दुर्घटना अपनी फसल बर्बाद होती है, उसमें हम भी योगदान है। मेरा किसानों से आग्रह है, गो आधारित प्राकृतिक खेती की तरफ हम जाएं, वो एक खाद वाली खेती करेंगे तो गाय का भी समाधान होएगा और हम जहर पैदा करना भी बंद करेंगे, क्योंकि संसार में 3 लोग एक समान हैं, भगवान, किसान और माँ। किसान को कितना भी कष्ट आए अपनी फसल पैदा करेगा, अपना कर्तव्य पूरा करेगा। भगवान को आप पूजा करें ना करें, अच्छा कहें बुरा कहें, भगवान आपका पालन करेगा। ऐसे ही घर में माँ होती है, उसके साथ लड़ाई करो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, लेकिन रो के जिजा के वो किसी भी प्रकार से आपके लिए भोजन तैयार करेगी। तो इस माँ रूपी किसान को यदि दुखी करेंगे तो ये देश कभी सुखी नहीं रह सकता। वाह जी वाह भाई, देखो सारा सो का जोड़ सारा निचोड़ी आ गया। अच्छा और कोई कुछ बोलना चाहेगा? जी जी सर, मैं आपके पास आ जाता हूँ। जी बोलिए। आपके चैनल को नमस्कार। जी धन्यवाद। भारतीय किसान संघ महीपाल बड़दू, जिला मंत्री भिवानी दादरी। भाई साहब, हमारा एक संघर्ष लंबे समय से चल रहा है, सरकार ने किसान के साथ एक बहुत बड़ा छल कपट किया है। जी। किसानों के ट्यूलों के पैसे भरवाए हैं और वो 2 साल के लगभग हो गया, किसान उनकी हर शर्त को मानने को तैयार है, लेकिन वो ट्यूबवेल कनेक्शन देने को तैयार नहीं है अभी तक। एक मिनट उनको बोलना सर। सुंदर जी, सर सर फाइनली एक बारी लास्ट ये बता दीजिए भाई, सरकार को आपने अंदर क्या मांगे लिखे? सरकार ने, मैंने 4 मांग की है। पहली मांग अपनी है न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी होनी चाहिए, चाहे वो मंडी के बाहर है चाहे मंडी के अंदर है। जी। जो भी खरीद करे, मंडी के बाहर करे चाहे मंडी अंदर करे, उसका राज्य सरकार या केंद्र सरकार के यहाँ रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसकी बैंक गारंटी पोर्टल पर जाननी चाहिए, कोई किसान चाहे तो उस पोर्टल पर जाकर अपने व्यापारी के बारे में समस्त जानकारी ले ले, इसकी इतनी बैंक गारंटी है, ये इतनी खरीद करने की लिमिट रखता है, इतनी नहीं रखता है। तीसरी मांग हमने की, सरकार ने कहा SDM स्तर का, फिर उसके बाद DC स्तर का, फिर उसके बाद केंद्रीय सचिव स्तर का व्यक्ति जो उनके बीच में विवाद होएगा वो सुनवाई करेगा। हमने मांग की है सरकार से, प्रत्येक न्यायालय जिले में कृषि न्यायालय की स्थापना की जाए, फौजदारी के मुकदमे छोड़कर किसी से संबंधित जितने मुकदमे हैं वो सारे के सारे उस कृषि न्यायालय में सुलझाए जाएं, और कोशिश की जाए किसान को जिले से बाहर किसी भी प्रकार से उस विवाद को लेकर न जाना पड़े, ऐसी सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। चौथी मैंने मांग की है, कॉरपोरेट कंपनियां और किसान को सरकार ने एक ही परिभाषा में रख दिया। हमने सरकार से मांग की है जो मूल रूप से खेती करता है वही किसान की परिभाषा में आए, कॉरपोरेट कंपनियों को किसान की परिभाषा से बाहर किया जाए। और पांचवी हमने अंतिम मांग की है, व्यापारी और किसान जो है वो एक दूसरे के पूरक हैं, दुख सुख के साथी हैं, व्यापारी और किसान का दोनों को संरक्षण मिलना चाहिए, व्यापारी के साथ किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुषमा स्वराज ने एक बार संसद में कहा था व्यापारी जो है वो किसान का ATM है, रात को 12 बजे 1 बजे दिन में किसी भी समय चाहे किसी भी समय वो उसकी मदद के लिए तैयार होता है। तो व्यापारियों के मन में जो शंका पैदा हुई है इसको सरकार को दूर करना चाहिए, और व्यापारी अपने समाज के अंग हैं, अपने ही परिवार के हैं, अपने ही भाई हैं, यदि उनको कष्ट हुआ तो किसान भी सुखी नहीं रह सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।
जी जनाब। नमस्कार सर जी, मैं अपना हरियाणा संगठन से, सब्जी मंडी संगठन से हूँ जी। हमारे साथ दादरी से नितिन जांगू जी, हमारे रोहतक सब्जी मंडी से राजकुमार मग्गू जी, साहिल जी और भी मेरे भाई काफ़ी आए हुए हैं हरियाणा संगठन से। तो जो हमने अंदर मांग रखी है कि जो कोरोना काल में लोगों को राहत दी गई है और हमारे ऊपर 2% फीस लगाई गई है और फीस सिर्फ मंडी यार्ड एरिया के अंदर और बाहर नहीं, तो सरकार को, सरकार वैसे कहती है खजाने में खाली हो गया लेकिन बाहर फीस नहीं और अंदर फीस, इससे सरकार का खजाना भर लेगी, ये तो मतलब व्यापारी मंडियां फेल हो जाएंगी। जो भाई साहब ने भी कहा किसान और आढ़ती एक कड़ी है किसान के लिए, आढ़ती एक एटीएम है, आधी रात को 12 बजे भी चाहे वो कहते हैं कि हमें पेमेंट चाहिए, घर में शादी है, ब्याह है, बैंकों की लाइन भी नहीं लगते, वो आढ़ती के पास आते हैं और आढ़ती भाई उनकी मदद भी करते हैं, उनको पैसा भी देते हैं भाईचारे में उनका। फिर क्या हमारे को क्या भी होता है कि उनकी फसल आएगी वो हमारे पास लाएंगे, हम उससे 2% आढ़त कमाएंगे, 4% कमाएंगे, वो हमारे वापस आ जाएगा। लेकिन सरकार ने तो एक कमर तोड़ दी हमारी, जो बाहर फीस नहीं और अंदर फीस, और कोरोना काल के समय में फीस लगाकर ये हमारे व्यापारी भाइयों की, किसानों भाइयों की, आढ़तियों की बिल्कुल वजूद ख़त्म करने वाली बात है। सरकार से आज और के प्रार्थना करते हैं कि इस अध्याय को वापस लें और जो हमारे पर फीस लगी है उसको वापस लें। महंगाई को कम करने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट ने 7 साल पहले इसको ख़त्म किया था और बीजेपी सरकार ने अब पहले 1 मई को 1% लगा दी, तो हम दुष्यंत चौटाला जी से मिले इसके विषय में, तो उसका परिणाम हमें ये मिला कि हमें 1% और लगा दी गई ये 7 सितंबर से जी। तो ये बहुत अन्याय। आज हम हमारे आदरणीय जो हरियाणा सरकार की जो कमेटी बनी थी उनसे हम मिले, हमारे 3 सांसद थे, तीनों सांसद में विश्वास है कि वो आढ़तियों की, किसानों की समस्याओं को समझते। हम पूरा हमारा हरियाणा का जो प्रतिनिधिमंडल है हरियाणा सब्जी एसोसिएशन का, आज हमारे सांसद बोल दे कि हमने आगे मांग रखी है जिस तरीके से जो फीस लगी है, फीस आज हरियाणा के ऊपर एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। जैसे ही हमारा आढ़ती भाई सुबह 3 बजे आप दुकान पाता है, उससे पहले 10 कर्मचारी दुकान के बाहर खड़े मिलते हैं। फीस हमारी किसी दुकान पर 100 रुपये बनती है तो कमीशन के रूप में हमारे से 500-500 रुपये लिए जा रहे हैं। आज जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, तो हम सरकार से गुजारिश करते हैं जो हमारी सालाना हमारी जो लाइसेंस की फीस थी 720 रुपये थी, हम फिर भी सरकार अगर इतनी दिवालिया लगड़ चुका है तो हम सरकार से कहते हैं कि हमारे 720 की बजाय हमारी 5100 रुपया कर दी जाए, जो कम से कम 7 गुना फालतू कर दी जाए। हमारी सालाना फीस, जैसे हमारा रोहतक की सब्जी मंडी है इसके अंदर 130 लाइसेंस है, तो अगर 130 लाइसेंस से अगर 5100 रुपये लाइसेंस फीस बढ़ दी जाए तो कम से कम यहाँ सालाना 15 लाख रुपये उनको पहुँचे। तो इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि आढ़तियों को बचाया जाए और जो बीजेपी सरकार से एक बहुत बड़ी उम्मीद है व्यापारी वर्ग को, इसलिए हमें उम्मीद है कि हमारी उम्मीद को पूरा करेगी। पूरे हरियाणा में 113 मंडी हैं जी, पूरे हरियाणा में 113 मंडी है, तो उसका हिसाब लगाया जाए तो उससे सरकार को कितना फ़ायदा होगा। तो सरकार को ये थोड़ा सोचना चाहिए आढ़ती वर्ग के बारे में भी। हमें इंस्पेक्टरी राज से मुक्ति मिलेगी और रेवेन्यू सरकार को पूरा मिलेगा अगर एक फिक्स समय लगा दी जाए तो जी। सर कोरोना काल के अंदर जो आढ़ती भाइयों ने अपना परिवार को पीछे छोड़ के, अपने निजी स्वार्थ को पीछे छोड़ के जन सेवा करी और एक ऐसा रूल बना दिया रोहतक सब्जी मंडी के अंदर कि कालाबाजारी ना हो, रेट लिस्ट जारी कर दी, हालांकि शहर के अंदर और मंडियों के अंदर रेट लिस्ट जारी नहीं होती, कोरोना काल के अंदर रोहतक सब्जी मंडी ऐसी थी जिसने रेट लिस्ट जारी कर दी कि शहर के अंदर किसी भी भाई को कोई महंगा सामान ना बेचे, और उसका नतीजा हमें एक तो फीस लग गई और हमारे बाहर हमारे अस्तित्व का ख़त्म हो रहा है। और दूसरी बात जो हमारी एक और मुख्य मांग है सरकार से कि जैसे कोई भी सफाई कर्मचारी है या डॉक्टर है या पुलिस वाला है उसका सरकार बीमा करती है कोरोना काल के अंदर, लेकिन सब्जी मंडी के भी हमारे कुछ आढ़ती भाई हैं जिनकी कोरोना से मौत हो चुकी है, अगर हम लोग भी अपने समाज की सेवा करने के लिए आगे आते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल के, अपने परिवार की जान जोखिम में डाल के, तो हमारी ये भी मांग है सरकार से कि हर आढ़ती का भी कोई ना कोई जीवन बीमा होना चाहिए, उसको आर्थिक रूप से सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। एक मिनट सर, जब ये कोरोना के समय हमारे कुछ आढ़तियों की मांग आई थी कि हम मंडी पूर्ण रूप से बंद करते हैं, हमें भी अपने स्वास्थ्य की चिंता है, लेकिन सचिव महोदय हमारे पास आए, बोले जी इस तरह तो भूखा शहर मर जाएगा, आप प्लीज़ मंडी बंद मत कीजिए और सहयोग कीजिए हमारा, तो हमने तन मन धन से पूरा सहयोग किया, उसका इनाम हमें ये मिला है। तो हरियाणा सरकार से हमारी तो यही मांग है कि तुरंत इसको वापस लिया जाए और नहीं तो आढ़तियों का वजूद ख़त्म करने की प्लानिंग है। तो भाई ये सारी बात आप समझ गए, अंदर जो भी होंगे अधिकारियों से बात करेंगे और फिर देखते हैं क्या रिजल्ट है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद भारत माता की, जय।